दोस्तों ये है अजय देवगन सर का नया बंगला जिसका नाम है S10। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में इस घर में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुके हैं और जो उनका पुराना घर है शिव शक्ति उसको अभी रिपेयर किया जा रहा है और जल्द से जल्द वो उसमें भी शिफ्ट हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिर से एक बहुत ही मशहूर कलाकार यानी अभिनेता के घर पे जिनका नाम है अजय देवगन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अजय देवगन सर को जानते ही होंगे कि कितनी कमाल की मूवी में वो अपना रोल निभाते हैं और उनकी वाइफ है काजोल जी जो पहले बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं कि उनका नया घर कौन सा है और वो लोग कहाँ पे रहते हैं। तो गाइज पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अजय देवगन सर के नए बंगले के पास और आपको जो ये थोड़ा सा पीछे का मैं बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ ये अजय देवगन सर के नए बंगले का ही सीन दिखा रहा हूँ जो S10 है। और आपको हम बता दें कि वहाँ पर देखिए गार्ड लोग बैठे हुए हैं। अभी हम आगे सामने भी चलेंगे जहाँ पर जो मेन गेट है और ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा है इसी रोड से 50 मीटर आगे जाने पर जहाँ से वो बाइक मुड़ा है वहीं पर उनका पुराना बंगला जो शिव शक्ति है वो भी सटे हुए ही है। तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पे भी उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। तो गाइज यही है उनका नया बंगला। इस बंगले को उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में 60 करोड़ रुपए में खरीदा है। इनके घर के जस्ट सामने ये जो व्हाइट कलर की दीवार दिख रही है ये धर्मेंद्र सर के घर की दीवार है। थोड़ा सा पीछे से जितना दिख पा रहा है उतना मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि इनका जो पीछे का घर है वो किस तरह से यहाँ पर उन्होंने सजाया है। देखिए अंदर जो यहाँ पर दीवार लगी है उस पर कुछ पत्थर मॉडल के बनाए गए हैं और यहाँ पर भी इनके घर में बांस के भंडे लगाए गए हैं और व्हाइट कलर का जो पॉलीथीन है उसको ऊपर से डाला गया है और साइड से दीवार के ऊपर चारों तरफ से जो ग्रीन कलर के पर्दे आते हैं उससे थोड़ा ऊंचाई तक उसको ढक दिया गया है। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आपको गेट दिख रहा है जहाँ पर ये जंगले हैं उसके बगल में कांच का यूज किया गया है और उसके बगल में बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए वो बालकनी दिखाई दे रही है यहाँ से जहाँ पर आप लोग अक्सर देखते होंगे काजोल मैम के इंस्टाग्राम पे वो फ़ोटो शेयर किया करती हैं, वो वहीं का फ़ोटो वो शेयर करती हैं जब बालकनी में खड़ी होती हैं। तो काफ़ी शानदार नज़ारा है इस घर का। वो मेन गेट मैं आपको दूर से जूम करके दिखा रहा हूँ लेकिन मैं अभी आपको फ्रंट गेट पर ले चलूँगा और वहाँ का भी नज़ारा आपको हम दिखाएँगे। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ मेन गेट पर, यही है मेन गेट। यहाँ पर S10 लिखा हुआ है, गार्ड साहब भी बैठे हुए हैं और यही बंगला उन्होंने ख़रीदा है, अभी हाल ही में ख़रीदा है। तो इस घर की प्राइस और फैसिलिटी और इसके जो भी फीचर्स हैं बहुत ही कमाल के हैं। अजय देवगन सर ने जुहू इलाके में जो ये नया आलीशान बंगला आपको दिख रहा है इस बंगले को 60 करोड़ रुपये में उन्होंने ख़रीदा है। गाइज मुंबई में अजय देवगन का यह दूसरा बंगला है। आपको बता दें कि अजय देवगन और काजोल का यह बंगला 590 स्क्वायर यार्ड यानी 5310 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यह बंगला अजय देवगन के पुराने घर के काफ़ी करीब है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको गेट दिखा रहा हूँ और वहाँ पर कुछ कांच टाइप के शीशे भी लगाए गए हैं जो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं देखने में। अजय देवगन अभी जुहू के कपोलो को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद अपने बंगले शिव शक्ति में इससे पहले रहते थे लेकिन जब से वहाँ पर मरम्मत का काम शुरू हुआ है, रिपेयर हो रहा है, तब से इसी घर में वो आके शिफ्ट हो चुके हैं और उस घर का रिपेयर किया जा रहा है। दोस्तों मैंने जो शिव शक्ति बंगलो आपको दिखाया है उस बंगले में अजय देवगन सर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि उनके पास कार कलेक्शन कितना है, उनका नेटवर्थ कितना है, सब कुछ मैं बता दिया हूँ उसमें। फिर भी आपको एक बार बता दें कि अजय देवगन की नेटवर्थ 295 करोड़ रुपए है और उनकी महीने की सैलरी करीब 3 करोड़ रुपए है और इनकम जो सालाना है वो 36 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए इस घर को पूरा व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और काफ़ी कमाल के फीचर्स इसमें दिए गए हैं और जैसे शिव शक्ति बंगलों को सजाया गया है उसी तरह से इस बंगलों को भी काजोल मैम ने पूरा अच्छे से सजा दिया है क्योंकि उनको ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा
पसंद है। तो गाइज मैं आपको पिछली वीडियो में जब शिव शक्ति बंगले के बारे में सब कुछ दिखाया हूँ तो उसमें अजय देवगन सर के बायोग्राफी के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो वो वीडियो देखने के लिए और अजय देवगन सर के बारे में सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आई बटन पे उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। पूरा आपको सब कुछ बता दिया हूँ कि इनके पास कितनी कार है, इनके पास जो प्राइवेट जेट है वो कौन सी है, और इनका मुंबई के अलावा और कहाँ पे घर है, इनके पिताजी का क्या नाम है, इनका असल में नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सब कुछ गाइज मैंने पूरा फुल इन्फॉर्मेशन उसमें दे दिया है। उम्मीद करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।